हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको काइंडमास्टर ओपन कर लेना है। काइंडमास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस के साइन में चले जाना और यहाँ पे से आपको रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है 1:1। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको कुछ फ़ोटोज़ ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं कुछ फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर इस फोटो पे क्लिक कर देनी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट वाले में चले जाना और इस फोटो को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू के साइन पे क्लिक कर देनी। इसी तरीके से आपको सभी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए देखिए इस फोटो पे क्लिक कर देनी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिप ग्राफिक वाले में चले जाना और यहाँ पे से ओवरलाइन वाले इफ़ेक्ट्स लगा देनी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी फ़ोटोज़ में यहाँ पर देखिए ओवरलाइन वाले इफ़ेक्ट्स लगा देनी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो फोटो के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इफेक्ट मिल जाएगी नियॉन हैलो करके, इस वाले इफेक्ट पे चले जाना और यहाँ पे से ये वाली इफेक्ट लगा देनी है। ठीक तरीके से आपको सभी जो फोटो के बीच में स्पेस है वहाँ पे चले जाना और यहाँ पे से आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स में आपको नियॉन हैलो वाले इफेक्ट्स लगा देनी है। ठीक है, तो उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, इन सभी फ़ोटोज़ को थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा अपने वीडियो का। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इन सभी फ़ोटोज़ की विग्निटी ऑन कर देनी है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंपली ये वाली जो वीडियो है आपको यहाँ पे से एक्सपोर्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मेरी वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मेरी वीडियो थी वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद सिंपली आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना और यहाँ पे से इफ़ेक्ट्स पे चले जाना है। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे बेसिक इफ़ेक्ट्स वाले में चले जाना और यहाँ पे से ब्लर वाले इफ़ेक्ट्स ले लेनी है। ठीक है, फिर इस ब्लर वाले इफ़ेक्ट्स को आपको फुल स्क्रीन में एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में चले जाना और इसकी रेशियो हाई कर देनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर इसे फुल वीडियो में एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है और मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद अभी जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट करी थी वो वाली वीडियो ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉपिंग का, क्रॉपिंग में चले जाना है, इसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको शेप्स में चले जाना है। शेप्स में जाने के बाद यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सर्कल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा कर देना और यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। इसे थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगा की का, इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पर ये जो वीडियो जब भी फिनिश होती है वहाँ पे चले जाना और यहाँ पे ये प्लस के साइन पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे सिंपली आपको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा टिक का, उसके बाद यहाँ पर से टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर से आपको ये वाली इफ़ेक्ट्स ले लेनी है। ठीक है, ये वाली। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर देनी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइड में ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की का, इसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद इसे थोड़ा बड़ा कर देना और यहाँ पर रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये जो वीडियो थी उसको यहाँ पर से आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है, फिर आपको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा।
उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको ये वाली लिरिक्स वाली इफेक्ट्स ले लेनी है और यहाँ पर ऊपर की तरफ रख देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में चले जाना है, उसे स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको ये वाली इफेक्ट ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा कर देना और यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में चले जाना और इसे स्क्रीन कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देनी है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको ये ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट्स ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक कर देनी है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है। फिट टू स्क्रीन करने के बाद इस पर क्लिक कर देनी है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग में चले जाना है और इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर से आपको बॉर्डर वाले इफेक्ट्स ले लेनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है, इस पर क्लिक कर देनी है और इसे एक्सटेंड कर देना है अपने पूरे वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।